नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। हरियाणा के मेवात और सोहना में दो समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुग्राम फरीदाबाद तक आ पहुंची है। यहां दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किए। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस तनाव की शुरुआत नुहू से हुई, जहां ब्रज मंडल यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पथराव के साथ साथ गोलियां भी चली। सूत्रों के मुताबिक हिंसा में दो होमगार्ड समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा को देखते हुए नुहू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार ने नुहू जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से 1 हफ्ते के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी है। इन्हें जिले के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।